पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है। तो महंगाई के खिलाफ इस देशव्यापी प्रदर्शन में आज अल्मोड़ा मुख्यालय समेत सभी विकास खंडों में कांग्रेस जनों ने सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष पीताम्बर पांडे ने सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा सरकार को झूठे वायदे की सरकार बताया और कहा कि सरकार ने महंगाई बढ़ाकर मध्यम व गरीब लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, निर्माण सामग्री, खाद्य सामग्री में इस चुनाव के बाद अभूतपूर्व महंगाई को लेकर के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत आज अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों द्वारा अल्मोड़ा मुख्यालय तमाम विकासखंड के मुख्यालयों में इस डबल इंजन की सरकार के खिलाफ जो झूठे वायदे इन्होंने किए थे, जो लोगों को बहला पुसका कर फुसला करके इस देश में कब्जा जिनने किया है, झूठे वायदे करके जो कब्जा किया है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन के द्वारा इस सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने का काम किया है। यह सत्य है कि चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे वायदे करके महंगाई पर रोक लगाने का काम करती है, अंकुश करने लगाने का काम करती है, और ज्यों ही सत्ता हथियाती है तुरंत इस तमाम जनता के ऊपर दोनों हाथों से महंगाई का बोझ डाल करके लूटने का काम ये सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो कि कटु सत्य है। ये झूठे वादे करके सत्ता को हत्याना चाहते हैं, इसलिए इनके विरोध पर लगातार कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन करते रहे।